Good evening, everyone. This side Nishant. So welcome back again. शायद कल हमारा सेशन नहीं हुआ था हिंदू का, तो आज हम आज सेशन लेके आए हैं. हालांकि आज संडे है, संडे को ज्यादा खबरें नहीं होती हैं और अमूमन कोई टीचर संडे को सेशन कम लेता है हिंदू का, ठीक है. बट जैसा हम जानते हैं ये नॉन स्टॉप स्टडी है, ठीक है. संडे हो या मंडे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेज, हमारे लिए हर एक न्यूज हर एक दिन की इम्पोर्टेंट है, ठीक है. तो जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम है निशांत और मैं ऑन अ वेरी डेली बेसिस जो है हिंदू की वीडियोस जो है बनाता हूँ. एंड अपार्ट फ्रॉम इट, कोई भी करंट का अगर इशू चल रहा होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके रिगार्डिंग भी मैं वीडियोस जो है वो डाल देता हूँ, ठीक है. तो देखिए, ये मेरे चैनल का नाम है मनाली मेड इजी, MANALI मनाली, MADE मेड इजी, ठीक है. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है. अब सर क्या है, समझिए, अमूमन क्या होता है कि मैं देख रहा हूँ कि मेरी वीडियोस जो है बहुत लंबी जा रही है, 50 मिनट या 1 घंटे के अप्रॉक्सीमेटली मेरी वीडियो होती है, जो कि अमूमन जो है लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है. लेकिन समझिए सर, अगर मैं हिंदू की बात करूँ तो 30 मिनट में या 20 मिनट में, 30 या 20 मिनट में मैं हिंदू आपको नहीं पढ़ा सकता. नहीं, इनफैक्ट कोई भी आपको 20 से 30 मिनट में पूरा हिंदू का एनालिसिस नहीं कर सकता. 50 मिनट, 1 घंटा भी उसके लिए कम पड़ता है, ठीक है. तो समझिए, जानिए आपके लिए क्या अच्छा है, ठीक है, कितनी न्यूज आपके लिए अच्छी है, ठीक है. क्योंकि एक बार हेडलाइंस की रीडिंग कर लेना और या फिर उसको डीपली समझाना, दोनों में फर्क होता है, ठीक है. तो आई होप आप उसको समझ पाएंगे. चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम अपना जो है सेशन शुरू करते हैं, ठीक है. स्टे ट्यून्ड. मैंने न्यूज ऑलरेडी क्लिक कर रखी है, ठीक है. सर थोड़ा तेज पढ़ेंगे, ठीक, क्योंकि न्यूज जो है इतनी डीप वाली न्यूज नहीं है जो कि मैं आपको ये करके बताऊंगा, क्योंकि सारी न्यूज वो है जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. सबका जो है कह सकते हैं कि एक तरह से कॉन्टिन्यूशन में चल रहा है, ठीक है. बीच में हमने देखा सर, अगर मैं बात करूँ एक डेमोग्राफ की, ठीक है, ये रियल ग्राफ नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ सर, ये एक डेमोग्राफ है जो कि मैं आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है. अब मैं बात करूँ सर डेमोग्राफ की, मान लेते हैं सर ये ग्राफ है, ठीक है, ये मान लेते हैं ये ग्राफ है, ठीक है. ये कोविड केसेस मान लिए सर मैंने, ये मान लिए डेज, ठीक है. अब सर क्या हुआ, धीरे धीरे ना, शुरू शुरू में क्या हुआ, कोविड केसेस बढ़ते रहे, समझ रहे हैं, धीरे धीरे क्या हुआ, कोविड केसेस बढ़ते रहे, ठीक है. एक टाइम आया कि वो हल्का सा स्टेबल हो गए और फिर क्या हुआ, वो गिरने शुरू हो गए, ठीक है. तो देखिए यहां पर क्या हुआ, उसका हाईएस्ट पॉइंट आया एंड देन थर्ड टाइम जो है हाईएस्ट पॉइंट रहा, देन गवर्नमेंट के जो कह सकते हैं हम, गवर्नमेंट की मेहनत या हम लोगों का डेडिकेशन, ठीक है, जो कि हमने प्रिकॉशंस जो है फॉलो किए, जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने रखी वो हमने फॉलो की और धीरे धीरे क्या हुआ, हमारा कोविड का केस जो ग्राफ है वो नीचे आने लग गया. बट अभी हम क्या देख रहे हैं ना, कुछ स्टेट में दोबारा से ग्राफ जो है ऊपर बढ़ रहा है. मतलब कह सकते हैं क्या हो रहा है, आप खुद समझिए, पहले तो हमारे वहां कोविड केस बढ़े, फिर स्टेबल हो गए, फिर नीचे आए और अब धीरे धीरे जो है बढ़ रहे हैं. इसको हम कहते हैं सेकेंड वेव. एग्जैक्टली सेकेंड वेव आई नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ स्टेट्स में जैसे दोबारा से जो कोविड केसेस जो है वो बढ़ते दिख रहे हैं, उससे कहीं सेकेंड वेव की आशंकाएं बताई जा रही हैं, ठीक है. जैसे देखिए महाराष्ट्र में, अगर मैं सिर्फ महाराष्ट्र की बात करूं, महाराष्ट्र में अकेले 8,333 केस हैं, और पूरी कंट्री की बात करूं तो कंट्री के जो केसेस हैं लगभग 16,000 केसेस हैं. तो कंट्री के केसेस में से हाफ ऑफ द केसेस कहां आ रहे हैं, वो आ रहे हैं महाराष्ट्र में. सो रियली इट्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न, ठीक है. न्यूज आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूज में यही कैबिनेट सेक्रेटरी ने जो है, जो हमारे मेन कैबिनेट सेक्रेटरी है राजीव गौबा जी, उन्होंने क्या किया है, हर एक स्टेट के जो है चीफ सेक्रेटरी से मीटिंग फीस की, उन्हें कहा कि जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो कीजिए, ढील मत दीजिए और हमें जो है ये जो कह सकते हैं ट्रेसिंग ये जारी रखनी पड़ेगी. और बहुत सारे स्टेट्स ने अपने स्टेट्स में कुछ एयर ट्रैवल जो गाइडलाइंस होती हैं वो भी आगे वो भी रिलीज की है. जैसे कि बहुत स्टेट्स जैसे महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, इन स्टेट से आना तो आपको एक कोविड नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए, तो वो आप देख लीजिएगा अगर आप एयर ट्रैवल कर रहे हैं तो, ठीक है, इन कमिंग डेज में. अभी न्यूज क्या है कि कुछ केसेस में एकदम कोरोना वायरस से केसेस जो है एकदम ऊपर आ गए हैं. उनमें से कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना एंड जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है. और हाफ ऑफ द केसेस जो पूरे इंडिया में आ रहे हैं 16,000, उसमें से कहाँ है हाफ ऑफ द केसेस, महाराष्ट्र में. इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट अगर हम देखें
तो स्टॉक मार्केट में कुछ एक या दो दिन पहले, 2 दिन से तो बंद है स्टॉक मार्केट, अप्रोक्सीमेटली फ्राइडे या मैं टू बी मोर प्रोसाइज मैं बात करता हूँ थर्सडे की, थर्सडे को हमने उसमें इसका अफेक्ट देखा, ठीक है। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मील वाइज ये कहा है कि जितने भी ये कोविड केसेस हैं, जितने भी ये कोविड केसेस हैं, अगर ये स्पाइक करते हैं तो हमें, हम फोर्स हैं, ठीक है, हम फोर्स हो जाएंगे लॉकडाउन इनिशिएट करने में। अभी क्या है, अमरावती की साइड में जो है लॉकडाउन लगाया है सरकार ने, बाकी सरकार 5-6 दिन का बफर टाइम लिया है, केसेस को वॉच कर रही है। अगर केसेस में स्पाइक होता है तो गवर्नमेंट लॉकडाउन द्वारा इम्पोज कर सकती है स्टेट स्पेसिफिक लॉकडाउन, ठीक है। तो जो स्टॉक मार्केट में डील करते हैं, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। चलिए, ये पहली न्यूज थी, ठीक है। दूसरी क्या है सर, एक बहुत अच्छी सी केस स्टडी है, ठीक है, बहुत अच्छी सी केस स्टडी है। ये क्या है, हम बात कर रहे हैं उन बच्चों की जो कि माइग्रेंट्स के बच्चे हैं, ठीक है। जो माइग्रेंट्स के बच्चे हैं उनके भी ड्रीम्स होते हैं, समझिए। माइग्रेंट्स क्या हुआ, वो मजदूर, माइग्रेंट्स क्या हुआ, वो मजदूर जो एक जगह से दूसरी जगह जो है अपने फूड के लिए, अपने व्यवसाय के लिए मतलब ट्रेवल करता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, माइग्रेंट्स। एक माइग्रेंट कल दिल्ली में हो सकता है, हो सकता है कल उसे जॉब मिल जाए पटना में, वो पटना आ जाए, हो सकता है उसे जॉब मिल जाए उत्तराखंड में, उत्तराखंड चले जाए, तो माइग्रेंट है, इधर से उधर घूमता रहता है एक अच्छे व्यवसाय के लिए, एक अच्छी जिंदगी के लिए। लेकिन समस्या क्या है ना, जो उनके बच्चे हैं, दिक्कत आती है उनके बच्चों पे। अब अगर उनके बच्चे उनके साथ ट्रेवल करने लग गए तो उनके बच्चों का भविष्य तो खराब हो जाएगा सर। प्रॉपर स्कूल नहीं मिल पाएगा, प्रॉपर फैसिलिटीज उन्हें नहीं मिल पाएंगी, प्रॉपर एजुकेशन उन्हें नहीं मिल पाएगी, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, उनके बच्चों का फ्यूचर जो है वो खराब हो जाएगा। तो क्या है, एक केस स्टडी दी गई है यहाँ पर कि होता क्या था, उड़ीसा की बात की थी है। उड़ीसा में क्या है ना, ये ऐसे जो बच्चे होते हैं, जो माइग्रेंट वर्कर्स के बच्चे होते हैं, उनके लिए स्टेट स्टेट रन क्या होते हैं, रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं, जो कौन चलाता है, उड़ीसा गवर्नमेंट। उन बच्चों के लिए रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं, जो कौन चलाता है, स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन क्या हुआ, जब से पेंडेमिक आया है, जब से ये पेंडेमिक आया है, जो वो आपका जो वो आपके स्कूल्स हैं, जो ये आपके स्कूल्स हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट चलाती थी, रेसिडेंशियल स्कूल जहाँ पढ़ाई भी होती है और बच्चों को रखा भी जाता है रहने के लिए, अब ऐसे स्कूल जो हैं बंद हो गए हैं, जिससे क्या हुआ है, बहुत सारे स्कूल, बहुत सारे बच्चे जो हैं ये आपके माइग्रेंट्स वर्कर्स के, इनकी जो है लाइफ को हाईली इम्पैक्ट किया है, और ये डायरेक्ट वे से एजुकेशन से जो है बाहर आ गए हैं। कोविड का नेगेटिव इम्पैक्ट एजुकेशन में हम देखते हुए आए हैं, और ये बहुत ही चिंता का विषय है। जो एनरोलमेंट रेशियो होता है बच्चों का, वो भी दिन पर दिन जो है डिक्रीज कर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत सारी स्टडीज कह रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टडी की गई थी अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के द्वारा, कि जो बच्चों की फाउंडेशन स्किल्स होती है ना, उसमें भी कमी आई है। फाउंडेशन स्किल्स क्या होती है ये सुनिएगा, फाउंडेशन स्किल्स कुछ नहीं होती है, एक बच्चा है ना, हम एग्जाम्पल देखते हैं, हमने बचपन में पढ़े ABCD, हमने बचपन में पढ़ी ABCD, अब ABCD पढ़े बिना क्या हम कोई वर्ड बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। तो ABCD क्या है, मेरे फाउंडेशन कोर्स है, और बच्चे ये बेसिकली ये फाउंडेशन कोर्स ही जो है ये भूल रहे हैं ड्यू टू दिस बफर टाइम जो हमने कोविड में निकाला है, ठीक। चलिए, ये खाली एक केस स्टडी था, इसके बारे में मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, ये देखिए एक ये G20-23, ठीक है, ये पॉलिटिकल स्पेसिफिक न्यूज हो गई, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको क्या बेसिकली है सर। G20-23 कुछ नहीं है, ये बेसिकली कांग्रेस के लीडर्स हैं, ये G20-23 कुछ नहीं है, ये बेसिकली कांग्रेस के लीडर्स हैं जो बेसिकली कांग्रेस में रिफॉर्म की बात करते हैं, ठीक है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, G20-23 क्या है, ये बेसिकली कांग्रेस का ही पार्टी है, कांग्रेस के पार्टी में से कुछ लीडर्स हैं जो चाहते हैं कि कांग्रेस में रिफॉर्म हो, और ये रेगुलर बेसिस में ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है धीरे धीरे वीक हो रही है, वीक हो रही है, वीक हो रही है, ठीक है। और इन्होंने अभी क्या किया है, जो ये गुलाम नबी आजाद जी हैं, जो इनका क्या हुआ, इनका राज्यसभा का टेन्योर खत्म हुआ है, ये एक्टिव पॉलिटिक्स से जो है रिटायरमेंट लेंगे, लेकिन कांग्रेस के ये G23 लीडर्स जो है ये चाहते हैं कि ये पॉलिटिक्स से जुड़े रहे, ठीक है, और कांग्रेस को ये बोल रहे हैं कि हमें इनके एक्सपीरियंस से कुछ फायदा उठाना चाहिए, ठीक है। बेसिकली क्या है, अगर मैं इनडायरेक्टली बोलूँ तो जो G23 लीडर्स हैं और कांग्रेस जो मेन पार्टी है, इनके बीच में कहीं ना कहीं कुछ अनबन हमने कुछ दिनों में देखी गई है, प्योरली पॉलिटिकल न्यूज है, आपके मतलब से नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समय दीजिएगा।
थोड़ा सा समय दीजिएगा सर, पता नहीं क्या होता है, क्लास के टाइम ही ये हैंग करता है। आई गेस तीन न्यूज तो अभी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, फर्दर न्यूज की तरफ हम जा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा। सीधे फाइव पेज खोलते हैं, फाइव पेज में अच्छी न्यूज हमने टिक की होगी। एक्चुअली होता क्या है ना सर, मैं न्यूज टिक कर लेता हूँ आपके लिए, ठीक है, जिससे कि पढ़ाते टाइम मुझे आसानी हो जाएगी। यही न्यूज मैं चाहूँ तो ना आपको पीपीटी के फॉर्मेट में पढ़ा के दिखा सकता हूँ, पर समझिए एक अफेक्ट होता है, वही अफेक्ट मैं आपके पास लाना चाहूंगा कि पेपर से हम न्यूज कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए ये भी एक केस स्टडी है, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं ये क्या कहती है केस स्टडी। मैं इन शॉर्ट इसकी समरी कर देता हूँ आपको, ठीक है। क्या हो रहा है ना सर, ये देखा गया है, समझिए, जब से कोविड हुआ है, जब से कोविड हुआ है, ठीक है, यहां लिख देते हैं, जब से कोविड हुआ है, ठीक है, फिजिकल जो क्लासेस हैं, ठीक है, जो फिजिकल क्लासेस हैं वो एक तरह से बंद हो गई हैं, वो एक तरह से क्या हुई है, बंद हो गई है, और जो बच्चे हैं वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। देखिए इतनी हार्ड एंड फॉट स्टडी नहीं है, सिंपल है सर, हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, हमारी मम्मी हमसे बोलती है बेटा कितनी देर टीवी मत देख, तेरी आंखें खराब हो जाएंगी। आई गेस मैंने ही नहीं बहुत सारे बच्चों ने डायलॉग अपनी मम्मी से सुना होगा या अपने पापा से सुना होगा, ठीक है, या अपने पेरेंट्स से या घर में किसी भी बड़े से सुना होगा कि बेटा इतना टीवी मत देख, आंखें खराब हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि इतना स्क्रीन को नहीं देखना चाहिए जिससे कि आंखों में इफेक्ट पड़ता है। वही ऑनलाइन क्लास क्या होती है सर, एक बच्चा आठ आठ घंटे जो है मोबाइल में लगा रहता है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, उसकी आंखों में स्ट्रेन होगा, उसे वीकनेस होगी। तो यही इस स्टडी में इस चीज की बात की गई है, क्या कहा गया है सर कि द फॉल आउट इज डिजिटल फटीक एंड आई स्ट्रेन, ठीक है। पहला वर्ड डिजिटल फटीक क्या होता है, ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ। डिजिटल फटीक क्या होता है, डिजिटल फटीक क्या होता है, एक मेंटल एग्जॉशन होता है and disengagement that occur when people are required to use numerous digital tools and apps concurrently and in an ongoing way. जब हम लगातार ना कोई डिजिटल टूल यूज करते हैं या कोई ऐप यूज करते हैं, ठीक है, एकदम लगातार, उससे क्या होता है, हमारा मेंटल एग्जॉशन हो जाता है। देखिए इस एग्जाम्पल देखिए बंदे को, ठीक है, तो वही कह रहा है इससे क्या हो रहा है, इससे डिजिटल फटीक हो रही है और आई स्ट्रेन हो रहा है, ठीक है। अब क्या है, जैसे बेंगलुरु के स्कूल ने क्या किया है, इन्होंने कहा है कि हमें हॉलीडे शेड्यूल्स जो है वो उसको देखना चाहिए और स्क्रीन टाइम को जो है, जो हम देखते हैं स्क्रीन में, उसको रिड्यूस करना चाहिए, ठीक है, जिससे कि हेडेक, बर्निंग आईज, स्लीपलेसनेस ये कम हो जाए, ठीक है। इस देखिए कुछ चीजें हैं इसके, देखिए मैं बताऊं क्या स्कूल कर सकता है इसमें, स्कूल कर सकता है कि हॉलीडेज जो है बेसिकली किस में, वीक डेज में, मतलब इन शॉर्ट आप एक बार में एक महीने की छुट्टी ना दें, वो कम कर दें, लेकिन वीक डेज में कुछ हॉलीडेज दे दें जिससे कि उनकी आईज में स्ट्रेन कम पड़ेगा, ठीक है, ये तो पहली चीज हो गई, ठीक है। दूसरा क्या है, क्लास के बीच में ब्रेक हो, क्लास के बीच में ब्रेक हो प्रॉपर, क्लास के बीच में क्या हो, प्रॉपर ब्रेक हो, और जो पेरेंट्स है ना, पेरेंट्स शुड लीड फ्रॉम फ्रंट, मतलब हम बच्चे क्या करते हैं, हमारे पापा मम्मी को देखते हैं, अगर वो फोन पे लगे हैं तो बच्चे भी उनकी तरह से बन जाते हैं, तो हमें भी आगे बढ़ के ख्याल आगे बढ़ के आना चाहिए और खुद भी जो है इन टूल्स का कम इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमारे बच्चे हमें देखें और सीखें, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं, कुछ स्टडी है जिसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा पेरेंट्स के लिए ये भी आदेश, ये भी कहा गया है कि उनको क्या करना चाहिए, उनको भी अपना स्क्रीन टाइम कम करना चाहिए और बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी पर ध्यान देना चाहिए। आप खुद समझिए, एक बच्चा जब स्कूल जाता है, चाहे वो बस से जाता है, वो कहीं ना कहीं फिजिकली कुछ एक्टिविटी करता है, क्लासेस में घूमता है, दोस्तों के साथ घूमता है, रेसेस में घूमता है, कहीं ना कहीं आप मानिए ना मानिए, चलना भी एक फिजिकल एक्टिविटी है, चलना भी कहीं ना कहीं एक तरह से एक्सरसाइज है। इस बात पर ध्यान किसी ने नहीं दिया सर, ना किसी स्टडी ने, ना किसी इंस्टीट्यूशन ने, जो बात मैं आपको बता रहा हूं। एक बच्चा सुबह घर में उठता है, खाना खाता है, नाश्ता करता है और बैठ जाता है स्क्रीन के आगे, लैपी के आगे या लैपटॉप के आगे, वो बैठ गया, उसने पढ़ना शुरू किया, क्लासेस शुरू की, चार पांच घंटे की क्लास की, फिर एक घंटा रेस्ट किया जिसमें खाना खाया, थोड़ी देर सो गया, फिर उठा, फिर क्लास की दो तीन घंटे की, और शाम के पांच या छह बजे, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ ना, बच्चे की आईज में इतना स्ट्रेन हो जाता है कि बच्चा रेस्ट करता है, ठीक है। अब चलिए मान लीजिए पांच बजे के बाद बच्चे ने थोड़ा खेल भी लिया, फिर घर आया और फिर अपना सो गया,
अब समझिए, उस 8 घंटे के दौरान जो बच्चे ने स्क्रीन पर आके गुजारे हैं, वही 8 घंटे बच्चा कुछ 8 या 9 महीने पहले स्कूल में गुजारता था। इससे क्या होता था, वो अपने दोस्तों से इंटरेक्शन करता था, ठीक है। इंटरेक्शन से क्या होगा, उसकी स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, सीएस मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी इंप्रूव होती, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। स्पीकिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी होती है उसकी। इसके अलावा क्या है, कहीं ना कहीं उसको पीए फिजिकल एक्टिविटी उसकी बढ़ती। सर क्लास में बैठना ही नहीं, क्लास में चलना, इधर से उधर जाना, बच्चों के साथ खेलना, ये भी अपना आप एक फिजिकल एक्टिविटी है जो कि बड़ी ही अच्छी होती है और बड़ा ही बच्चों के एक ओवरऑल डेवलपमेंट में बड़ा साथ देती है, ठीक है। ये सब जो है बच्चे मिस कर रहे हैं और इससे बच्चों में एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो पड़ रहा है, ठीक है। जो लोग पीएम साहब की ऑल इंडिया रेडियो आप सुनते हैं अगर, तो आपको ये टर्म बड़ा ही कह सकते हैं फैमिलियर होगा, चन्ना पटना टॉयज के बारे में पीएम साहब ने एक बार अपनी स्पीच में कहा था, जो इनकी ऑल इंडिया रेडियो की स्पीच होती है। ये अभी बात कर रहे हैं, ये वर्चुअली इनॉग्रेट कर रहे थे इंडिया टॉय फेयर 2021 न्यू दिल्ली में सैटरडे को, और इन्होंने कहा आर्टिशन से कि आप जो है हमारी जो नई टेक्नोलॉजी है जैसे कि ई मार्केटिंग, उसका प्रयोग कीजिए। उससे क्या होगा, ई मार्केटिंग से क्या होगा कि आप जो है एक नई टेक्नोलॉजी से जुड़ पाएंगे और आपके प्रोडक्ट्स जो है और जगह पे जो उनकी कह सकते हैं आपके प्रोडक्ट की शाख कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं उनका जो एक इलाका है वो बढ़ जाएगा और मार्केटिंग बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है। ये बेसिकली उन्होंने कहा है कि आप जितने भी ओल्ड आर्टिशंस हैं वो ई कॉमर्स या ई प्लेटफॉर्म का यूज कीजिए या ई मार्केटिंग का यूज कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसकी मैं समरी बता देता हूं आपको, ठीक है, क्या हुआ है, ठीक है, इसमें क्या हुआ है। सबसे पहली बात क्या हुआ है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में बहुत टाइम बाद एक स्टेटमेंट आया है सामने जो DGMO ने दिया है, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। डायरेक्ट स्टेटमेंट इनकी तरफ से आया है, किसी भी मिनिस्टर की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आया है। स्टेटमेंट क्या आया है कि हम लोग 2003 का जो सीज फायर है वो 25 फरवरी की मिडनाइट से हम उस पर अडहेयर करेंगे या उसको जो है मानेंगे। न्यूज समझ में आई क्या है, न्यूज क्या है, न्यूज ये है कि हमारा जो सीज फायर था 2003 का, जो हमारा सीज फायर था 2003 का, उसे हम मिडनाइट ऑफ फेब 24-25 से जो है अडहेयर करेंगे या मानेंगे। ये किसने कहा है, ये डिसीजन किसने लिया है, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, ठीक है। सीज फायर क्या होता है, पहली चीज सीज फायर ये होता है जब हम ना जब जो है सीज फायर वॉल्यूशन कब होते हैं, ये क्या होता है, जब जैसे मान लीजिए, जैसे एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको बना के, ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं बना के, एक मिनट दीजिएगा। जो बच्चों को नहीं पता सीज फायर क्या होता है उनके लिए है, मान लीजिए बाउंड्री है, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ठीक है। सीज फायर हो गया है कि कोई फायरिंग नहीं होगी, फिर भी पाकिस्तान कंटिन्यूअसली यहां से फायरिंग कर रहा है और जो यहां बॉर्डर के इलाके हैं इनके गांव में फायरिंग चल रही है। सीज फायर मतलब भाई सीज फायर हो रहा है, विराम लग चुका है, फिर भी आप फायरिंग क्यों कर रहे हैं। तो ये सीज फायर वॉल्यूशन अमूमन पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर पे हम देखते हैं, जिससे क्या होता है, जो नियर बॉर्डर के क्लोज, जो बॉर्डर के प्रॉक्सिमिटी में जो गांव होते हैं, अमूमन वहां क्या होती है, कुछ डेथ्स हो जाती है, ठीक है, अननेचुरल नहीं कहेंगे, कुछ डेथ्स हो जाती है जिसकी वजह से, सीज फायर वॉल्यूशन की वजह से। तो ये हम कॉन्टिन्यूस बेसिस पे देखते हैं कि सीज फायर का क्या हो रहा है, वॉल्यूशन हो रहा है। और अभी DGMO की तरफ से जो है बयान आया है कि हम 2003 का जो है सीज फायर जो है उस पे अडहेर करेंगे, कब से, 24-25 फरवरी से, जो कि जा चुकी है, ठीक है। अब देखिए सीज फायर वॉल्यूशन कितने कॉमन है, एक डेटा दे समझिए यहां पर, फ्रॉम जस्ट 4 सीज फायर वॉल्यूशन कब हुए थे, 2004 में, 2004 में सिर्फ 4 सीज फायर वॉल्यूशन हुए थे, ठीक है। उसके बाद 2014 में 10 साल बाद कितने हुए, 853, 2004 में और 2014 में, देखिए कितना अंतर है, 4 में और 14 में 583 वॉल्यूशन हुए, और 2020 में कितने हो गए, 5133। समझिए ये क्यूमुलेटिव एडिशन टाइप में बढ़े जा रहे हैं, और ये बहुत चिंता का विषय है क्योंकि इससे बहुत सारा एम्यूनेशन, ठीक है, इससे बहुत सारे लोग भी घायल होते हैं जो कि बहुत ही तो बॉर्डर की बहुत प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं। अब क्या बात हो रही है, बात ये हो रही है कि ये डायरेक्ट नहीं है कि आप देखिए कहीं ना कहीं स्पेकुलेशंस है, डायरेक्ट बयान नहीं है, स्पेकुलेशंस है। स्पेकुलेशंस क्या है कि ये जो DGMO की तरफ से डिसीजन आया है, इसमें कहीं ना कहीं बैक चैनल डिप्लोमेसी,
बैक चैनल डिप्लोमेसी मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारे जो डिप्लोमेट है कहीं ना कहीं पाकिस्तान के डिप्लोमेट से जो है बातें कर रहे हैं, या उनकी ही चक्कर में ये सब हुआ है, ऐसा जो है एक अनुमान लगाया जा रहा है। देखिए ऐसे में कहा गया है कि वुड हैव इन्वॉल्व कॉन्सिडरेबल, इतना बड़ा जो डिसीजन है, इट वुड हैव इन्वॉल्व कॉन्सिडरेबल अमाउंट ऑफ इंटर एजेंसी डिस्कशन एंड कंसेंसस, सो वेदर इंडियन ऑफिशियल्स वर स्पीकिंग बोथ टू पाकिस्तानी मिलिट्री चीफ और टू पाकिस्तानी पाकिस्तान मिनिस्टर, द टू सर्टेनली वुड हैव बीन इन टच ऑन दिस, राइट। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये शायद जो है टच में रह सकते हैं, ऐसा कौन कह रहा है, TCA राघवन जो फॉर्मर हाई कमिश्नर है टू पाकिस्तान एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ दी काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, ठीक है। और क्या किया है, ये भी कहा गया है, मुझे नहीं लगता है, बोल रहे हैं मुझे नहीं लगता कि दिस काइंड ऑफ जॉइंट स्टेटमेंट स्पेसिफाइंग अ डेट फॉर द सीज फायर कुड बी अ रिजल्ट प्योरली ऑफ द DGMO कन्वर्सेशंस। DGMO की ही कन्वर्सेशन से या बातचीत से ये एक समझौता नहीं हो सकता, ठीक है, इसमें कहीं हाई लेवल जो है डिप्लोमेसी जो है इन्वॉल्व है, ठीक है, मतलब कि बैक चैनल जो है कन्वर्सेशन इन्वॉल्व है। और यही कहा गया है इसमें कि कहीं ना कहीं बैक चैनल डिप्लोमेसी जो है इसमें इन्वॉल्व है। अब क्या है, ये जो आपका डेवलपमेंट हुआ है ना, हमारा जो सीज फायर हुआ है, ठीक है, ये कब, ये जस्ट कुछ घंटे पहले हुआ है, ये सिर्फ कुछ घंटे पहले हुआ है। इट केम एमिड द इंडियन चाइना डिसएंगेजमेंट टॉक्स एंड जस्ट आज बिफोर अ कन्वर्सेशन बिटवीन एक्सटर्नल मिनिस्टर जयशंकर एंड चाइनीज काउंटर पार्ट, ठीक है। इंडिया चाइना का डिसएंगेजमेंट हुआ, ठीक है, उसके बाद हमारा चाइना से जो है सीज फायर का एग्रीमेंट हुआ, एंड देन हमारी किससे बात हुई, चाइना से बात हुई। हमारा सीज फायर पाकिस्तान से पहले क्या हुआ, हमारा डिसएंगेजमेंट हुआ कहां पर, पेंगोंग सो में, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, हमने सीज फायर का एग्रीमेंट किया पाकिस्तान के साथ में, एंड देन हमारे शंकर साहब ने जो है अपने काउंटर पार्ट चाइना के काउंटर पार्ट जो है वैंग यी से बात की है, ठीक है। मतलब क्या है, कहीं ना कहीं हम क्या करना चाह रहे हैं, अपना एक फ्रंट स्टेबल कर सकते हैं जो कि वेस्टर्न फ्रंट है जो कि पाकिस्तान के साथ में है, या फिर हम बेसिकली दोनों फ्रंट को स्टेबल करने की सोच रहे हैं। जैसा कि हमने देखा है, हमने अभी चाइना से, हमने ये हमारा फ्रंट है, हमने यहाँ चाइना से भी एग्रीमेंट साइन किए हैं, और यहाँ पर सीज फायर का जो है हमने एग्रीमेंट साइन किया है किससे, पाकिस्तान से। तो एक अगर ये फ्रंट सेफ हो गया तो हम एक फ्रंट में जो है चाइना को काउंटर कर सकते हैं। लेकिन सर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग ये सिर्फ बातें हैं, अभी इसमें कुछ ऐसा ऐसा कहा नहीं गया है, ठीक है, कितना, क्योंकि पहले भी जो है सीज फायर के एग्रीमेंट हो चुके हैं और उनका वॉयलेशन जो है हम टाइम टाइम पे देखते आए हैं, तो इतनी जल्दी हमें नहीं फैसला करना चाहिए, ठीक है। अब क्या है, अब जो है बाद इसमें राघवन साहब कह रहे हैं, डिसमिस क्रिटिसिज्म ऑफ द DGMO एग्रीमेंट एज अ क्लाइम डाउन फ्रॉम द गवर्नमेंट अर्लियर पॉलिसी ऑफ नॉट टेकिंग टू पाकिस्तान अंटिल टेररिज्म एंड्स। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उनसे सीज फायर का एग्रीमेंट कर लिया है तो हम पाकिस्तान को दबाव नहीं देंगे कि जो ये आतंकवादी जो संगठन वहां लगे हुए हैं काम कर रहे हैं उनको आप दबाइए मत, इस तरह से हम नहीं कहेंगे। हमारी जो पहले आतंकवादी या टेररिज्म के खिलाफ जो हमारी रणनीति रहती है वो अब भी रहेगी, और वहीं इमरान खान की गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान में, उन्होंने ये कहा है कि इंडिया को क्या करना चाहिए, जम्मू कश्मीर का ऑटोनॉमस स्टेटस जो है वो रिस्टोर करना चाहिए। तो दोनों के पक्ष क्लियर है, इंडिया चाहता है कि टेररिज्म जो है वो हट जाए पाकिस्तान से, और पाकिस्तान चाहता है कि जम्मू एंड कश्मीर का जो ऑटोनॉमस स्टेटस है वो वापस आ जाए। और राघवन साहब जो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं जो पहला स्टेप है क्या होगा कि हाई कमिश्नर कहाँ होना चाहिए, दिल्ली और इस्लामाबाद में, जो कि हमने आर्टिकल 370 जब हमने हटाया था अगस्त 2019 में, उस समय हमने हाई कमिश्नर्स को वापस बुला लिया था। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हम हाई कमिश्नर्स को जो है अपॉइंट करें कहां पर, दिल्ली एंड इस्लामाबाद में, ठीक है। इसके अलावा हम कॉपरेशन कर सकते हैं COVID-19 में और हेल्थ केयर में, जो कि आज की इकोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये एक मोदी टैक्स के बारे में बात आई है, ये भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट ही है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये कांग्रेस की, जो कांग्रेस कह रही है कि एक मोदी टैक्स है, मोदी टैक्स क्या है, इन्होंने एक आंकड़े दिए हैं, ठीक है, ये कह रहे हैं कि अगर आप टैक्सेस को रोल बैक करते हैं तो पेट्रोल के दाम हो जाएंगे 67 रुपीज पर लीटर, और वेयर इन डीजल के हो जाएंगे 53 रुपीज पर लीटर। पेट्रोल डीजल के दाम ऊपर हुए हैं, ये हम सब जानते हैं, कोई नई बात नहीं है, हम सब बाइक या स्कूटर या गाड़ी यूज करते हैं, जो मेरे भाई यूज करते हैं वो जानते हैं,
जो एक मिडिल क्लास आदमी है उसके लिए भले ही हम इसको माइंड नहीं कर रहे हैं, इतना सीरियसली नहीं देख रहे हैं, क्योंकि इस समय देश में बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, कोविड है, या हम सोच रहे हैं कि देश की स्थिति जो है खराब है, टैक्स भर देते हैं जिससे गवर्नमेंट का थोड़ा फिस्कल डेफिसिट में जो है सुधार आएगा और अच्छी बात भी है, देश भी अपना ही है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं समझिए मेरे लिए आसान है पे करना, आपके लिए कोई बर्डन नहीं हो रहा है, लेकिन जो मार्जिनल सेक्शन ऑफ द पीपल है जिसके लिए गाड़ी यूज करना अनिवार्य है या उसके लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है उसकी घर से ऑफिस तक का और उसको अपना बाइक या स्कूटर ही यूज करना पड़ता है, उसके लिए बड़े ही इशू आ रहा है। और कांग्रेस कहती है अगर ये टैक्स, जिसको ये मोदी टैक्स कहती है, अगर ये टैक्स रोल बैक किया जाएगा तो 67 रुपीज पर लीटर जो है पेट्रोल आ जाएगा और डीजल आ जाएगा 53 रुपीज पर लीटर, ठीक है। इन्होंने एक आंकड़े दिए हैं कि 2014 में क्या था कि इंटरनेशनल क्रूड ऑयल जो प्राइस था वो था 108 रुपए पर बैरल, डॉलर 108 रुपए पर, सॉरी डॉलर 108 पर बैरल जो था इंटरनेशनल क्रूड प्राइस था, और उस समय पेट्रोल का प्राइस था 71 और डीजल का था 57, ठीक है। मतलब 108 जब डॉलर डॉलर 108 पर बैरल कह देता हूं मैं, ठीक है, उस समय जो पेट्रोल का प्राइस था उस टाइम था पेट्रोल का प्राइस 71, ठीक है, पेट्रोल, और 57 क्या था डीजल, ठीक है। ये था हमारे पास कब, जब 108 डॉलर पर बैरल था आपका क्या इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का प्राइस था, ठीक है। अब जब इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का प्राइस जो है कम हो गया है, कितना हो गया है डॉलर 65 पर बैरल, उस समय कितना चेंज आ गया है, इस समय कितना चेंज आ गया है, 91 जो है आपका पेट्रोल है और 81 डीजल है, 91 पेट्रोल है 81 डीजल है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो कम हो रहे हैं, वेर इन ये क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, होना क्या चाहिए, ये बढ़ना चाहिए तो यही बढ़ना चाहिए, ये कम होना चाहिए तो ये भी कम होना चाहिए, इस केस में उल्टा हो रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है वो कम हो रहे हैं, 108 से 65 डॉलर पर बैरल आ गया है, लेकिन वेरन हमारे पेट्रोल के प्राइस जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 20 रुपए बढ़ गए हैं और डीजल के प्राइस जो है वो भी 20-25 रुपए अप्रॉक्सीमेटली बढ़ गए हैं, जिससे कि आम जनता को जो है बहुत दिक्कत हो रही है, ठीक है। और अभी जो है डोमेस्टिक गैस सिलेंडर जो है उसके प्राइस भी बढ़ गए हैं, ₹200 जो है बढ़ गए हैं फ्रॉम द पास्ट 3 मंथ्स, ठीक है। और ये बताया जा रहा है कि 820% जो है डीजल में है क्या उत्पाद शुल्क, जिसे हम कहते हैं एक्साइज ड्यूटी, और वेरिएंट 258% कहाँ है, पेट्रोल में है, और इससे गवर्नमेंट एडिशनल कमा रही है कितना, 21.5 लाख करोड़ जो है इससे एडिशनल टैक्स गवर्नमेंट पे आ रहा है। देखिए इसके दो पहलू हो सकते हैं, मुझ जैसे लोग जो कि लिबरल है और जो कि सरकार पे भरोसा करते हैं, ठीक है, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी विशेष पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सरकार अच्छा करती है, जो करंट गवर्नमेंट है, मैं किसी फेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ करंट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, जो करंट गवर्नमेंट है उनका बजट पढ़ने के बाद मुझे इतना तो एहसास हो गया है कि गवर्नमेंट ऑन अ वेरी गुड फ्रंट जो है देश को आगे ले जाना चाह रही है, उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ मुश्किलें आएंगी, फिस्कल डेफिसिट जो हमारा घाटा है वो बहुत बढ़ चुका है, गवर्नमेंट बहुत घाटे में ऑलरेडी आ चुकी है, तो अगर थोड़ा घाटा हम कम करें तो शायद हमें थोड़ा टैक्स भरना पड़ेगा तेल में, ठीक है। लेकिन इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी है कि तेल में टैक्स जो है सही जगह जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो देखिए इसके दो पहलू हो सकते हैं, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, मेरा अपना होगा, एक तीसरे आदमी का उसका अपना होगा, तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक अच्छी डायरेक्शन में ले जाइए, उसको पहचानिए और निष्पक्ष होके इसके बारे में जो है सोचिए, एंड देन कभी अगर क्वेश्चन आता है तो उसके बारे में लिखिए, ठीक है। निष्पक्ष होके किसी पार्टी का चेहरा नहीं, किसी पार्टी का फेस नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं या कोई भी लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, विदाउट मेंशनिंग किसी आदमी का नाम, ठीक है। इसके अलावा क्या है, पाकिस्तान, जब ये आपका ये एग्रीमेंट हुआ है हमारा किससे, पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान के जो हम आपके इमरान खान साहब हैं प्रधानमंत्री, इन्होंने भी कह दिया है कि क्या हो सकता है हमारे इंडिया के बीच में अच्छे, इन्होंने पहले कॉन्ग्रेचुलेट किया है कि अच्छा है ये सीज फायर जो है हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन कहा है इन्होंने कि इंडिया को जो है अगर ये जो ये हमारा संबंध है इनको एक पीसफुल वे से आगे बढ़ाना है तो जो लॉन्ग टर्म स्टैंडिंग डिमांड है राइट ऑफ कश्मीरी पीपल उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि इनके हिसाब से कश्मीर में जो है ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन होते हैं, ऐसा इनका मानना है, ठीक है। और ये चाहते हैं कि कश्मीर को जो है एक ऑटोनोमस, जो कश्मीर की ऑटोनोमस था उसको उसका दर्जा जो है वापस दिया जाए, वेर इन इंडिया क्या कहती है, इंडिया चाइना से कहती है जो आपके एरिया से
टेरर ग्रुप जो रिस्पॉन्सिबल है, जो इंडिया में अटैक करते हैं या कहीं और अटैक करते हैं, बेसिकली आपकी जमीन में टेररिस्ट पनप रहे हैं। इन शॉर्ट, आपकी जमीन में टेररिस्ट पनप रहे हैं, उनको आप ढूंढिए, उन पर सख्त से सख्त जो है कार्रवाई करें। ठीक है, अगर देखिए मेरी बात मानिए, इंडिया पाकिस्तान दोस्त इसलिए नहीं है, इंडिया पाकिस्तान के थॉट्स इससे नहीं मिलते हैं, हम दोनों सेम लोग हैं, सेम एथिक्स हैं, सेम मतलब सेम जगह से जुड़े हुए हैं, एक ही जमीन है सर, इंडिया पाकिस्तान की एक ही जमीन है, बंटवारे से अलग हो गई है। एक बहुत महान नेता थे हमारे, खान अब्दुल गफार खान, जिन्हें हम फ्रंटियर गांधी भी कहते थे, वो वहीं से बिलोंग करते थे, मतलब एट द टाइम वो इंडिया का पार्टी था। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बड़े नेता हमने देखे हैं उस जमीन से, पंजाब की उस साइड से, जो कि आज एक पाकिस्तान है, वही देश जहां हम हमारे लोग ही रहते हैं। हमारे थॉट्स क्यों नहीं मिल पाते? क्योंकि पाकिस्तान को हम लैंड ऑफ टेररिज्म कहते हैं, लैंड ऑफ टेररिस्ट कहते हैं। ऐसा नहीं कि वहां का आम आदमी पीस नहीं चाहता, आम आदमी हमेशा पीस ही चाहता है। फर्क क्या है कि वहां की गवर्नमेंट जो है टेररिस्ट को स्पॉन्सर करना बंद कर दे, टेररिस्ट को स्पॉन्सर करना बंद कर दे, क्योंकि अगर वहां टेररिस्ट को स्पॉन्सर नहीं करेंगे तो इंडिया का स्टैंड जो है पाकिस्तान के लिए वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, और इससे पहले भी हमारे पास जो है सीज फायर जो अभी हमने किया है 2003 में, ठीक है, इंडियन पाकिस्तान सीज फायर एग्रीमेंट हमने 2003 में साइन किया था एक बार, और वो अभी क्या हुआ है, वो कभी फॉलो नहीं हुआ है। ठीक है, फॉर द पास्ट सेवन इयर्स, तो अभी हमने एक और सीज फायर एग्रीमेंट किया है ऑन द बेसिस ऑफ 2003, देखते हैं कितना कारगर साबित होता है। ठीक है, अब देखिए अटॉर्नी जनरल, आप जानते हैं कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को वो करने के लिए, क्या करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए, ठीक है, आई अकॉर्डिंगली डिक्लाइन कंसेंट टू इनिशिएट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स फॉर क्रिमिनल कंटेंप्ट अंडर सेक्शन 15 ऑफ द कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। सेक्शन 15 ऑफ द कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट 1971 एक्ट के अंदर अटॉर्नी जनरल से जो है उसका कंसेंट मांगना पड़ता है किसी के खिलाफ प्रोसीडिंग्स लाने के लिए कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट की। ठीक है, अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने रिफ्यूज कर दिया है एक एक्टिविस्ट को, क्यों रिफ्यूज किया है, टू इनिशिएट क्रिमिनल कंटेंप्ट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई। रंजन गोगोई के खिलाफ एक एक्टिविस्ट क्या कर रहा था, इनिशिएट करना चाह रहा था कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए थे जिससे कोर्ट की छवि जो है खराब हुई है, या पब्लिक की आईज में जो है कोर्ट की छवि जो है खराब हुई है। उन्होंने क्या कहा है, इट हैड टर्म्स सच एज रैमशैकल जुडिशरी एंड सो ऑन। अब रैमशैकल क्या होता है, यही मैं आपके लेके आया हूं। रैमशैकल ये होता है अबाउट टू कोलैप्स, इनका मतलब था जुडिशरी जो है कोलैप्स हो सकती है। और जो ये एक्टिविस्ट थे आपके, उन्होंने कहा कि ये कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट के तरह बयान है, इससे कोर्ट की इमेज जो है वो स्कैंडलाइज हो रही है। ठीक है, लोगों की आंख में जो है कोर्ट की इमेज जो है गिर रही है, तो इनके ऊपर कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स, अंडर क्रिमिनल कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जो है वो शुरू होनी चाहिए। ठीक है, और इन्होंने जो है अटॉर्नी जनरल से इसकी परमिशन मांगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वेरी दो जस्टिस गोगोई स्टेटमेंट्स वर इंडीड वेरी स्ट्रॉन्ग, बट इट वॉज सेट फॉर द गुड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस एंड वुड नॉट इन एनी मैनर स्कैंडलाइज द कोर्ट और लोअर इट्स अथॉरिटी इन द आईज ऑफ द पब्लिक। आप समझिए सर, गोगोई साहब कौन है? गोगोई साहब पहले हमारे एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। उसके बाद अमूमन इंडिया में क्या होता है ना, अगर कोई भी जज रिटायर होता है तो एक अनकही प्रथा है कि वो कुछ बफर टाइम के लिए एक्टिव लाइफ से दूर हो जाएगा या एक्टिव चीजों से दूर हो जाएगा। ठीक है, जिससे कि एक कोर्ट की मान और मर्यादा बची रहती है। गगोई साहब के केस में क्या हुआ है, गगोई साहब के केस में वो जो है चीफ जस्टिस से रिटायर हुए और उसके बाद कुछ समय बाद ही उन्होंने राज्यसभा की मेंबरशिप प्राप्त कर ली। कुछ समय के बाद ही उन्होंने राज्यसभा की मेंबरशिप प्राप्त कर ली। अब ये अपने आप में क्या सिंबलाइज करता है, ये आप लोग बेहतर समझ सकते हैं। ठीक है, नो कमेंट फ्रॉम माय एंड। एक प्रथा थी कि हमारे जज जब जज साहब जो रिटायर होंगे कुछ समय के लिए बफर जोन में जाएंगे। वो इसलिए जाएंगे कि अगर वो किसी कंपनी का भार लेते हैं या वो कोई गवर्नमेंट का पद लेते हैं, इससे लोगों के दिमाग में एक शंका ना पैदा हो जाए कि ये जो जज हैं आपके, इन्होंने गवर्नमेंट के आदेश के नीचे काम किया। एक शंका क्रिएट होती है कि शायद जज साहब ने अच्छा काम किया हो गवर्नमेंट के लिए तो गवर्नमेंट ने उन्हें किसी पद में नियुक्त कर दिया है। इसलिए एक बफर टाइम होता है जिसमें कि एक जज साहब जो है एक्टिव जो चीजों से जो है बाहर हो जाते हैं। उसके बाद भले ही 2-3 साल के बाद वो कोई पद एज्यूम करे वो अलग बात है, लेकिन गगोई साहब के केस में ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद वो क्या करे, वो जैसे रिटायर हुए उसके बाद कुछ समय बाद ही वो क्या बन गए, राज्यसभा के MP बन गए। तो चीजें
पारदर्शनीय है, अपने आप में बहुत कुछ दर्शाती है, ठीक है, मैं कमेंट नहीं करूंगा, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है, अटॉर्नी जनरल ने उनके खिलाफ जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जो है वो समाप्त कर दी है। इंपॉर्टेंट क्या है, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट 1971 के बारे में आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, किस किस केस में अटॉर्नी जनरल जो है अपनी कंसेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, यहां पर एक एनवायरमेंट न्यूज है, ठीक है। एनवायरमेंट न्यूज क्या है, कहा है कि ये आपके स्नो लेपर्ड्स हैं और ये स्टडी हुई है, स्टडी बाय द वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल एंड नेचर कंजर्वेशन, ठीक है, स्टडी बाय वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल्स एंड नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन रिपोर्ट्स दैट हिली टेरेन इज होम टू सम टू एज मेनी एज 73 बिग कैट्स ऑफ द स्पीशीज, ठीक है। तो ये बात कर रहे हैं बेसिकली आपके स्नो लेपर्ड की, ये बात कर रहे हैं आपके किसकी, स्नो लेपर्ड की, ठीक है। ये वन ऑफ द मोस्ट एंडेंजर्ड स्पीसीज है, ये क्या है, ये वन ऑफ द मोस्ट एंडेंजर्ड स्पीसीज है, ठीक है। थोड़ा ये आर्टिकल पढ़िएगा, मैं इसके क्रक्स में आता हूँ, सीधा सा क्रक्स क्या कहता है, जो स्नो लेपर्ड होता है ना, वी फाउंड दैट स्नो लेपर्ड डेंसिटी वॉज पॉजिटिवली कोरिलेटेड विद द वाइल्ड प्रे डेंसिटी। अगर प्रे की डेंसिटी ज्यादा है तो स्नो लेपर्ड भी ज्यादा होंगे, और प्रे की डेंसिटी कम है तो स्नो लेपर्ड की डेंसिटी भी कम हो जाएगी, indicating that higher wild prey densities corresponding to higher snow leopard densities. जहां prey ज्यादा है वहां snow leopard भी ज्यादा है. Spiti and Tebo record, Spiti Valley जो कि हिमाचल प्रदेश में है, Tebo recorded the highest densities of both snow leopard and किसकी and the prey. While Chandra and Bharmor recorded the lowest densities of both snow leopard and the prey. जहां prey ज्यादा है वहां leopard भी ज्यादा होंगे, क्योंकि उन्हें खाने के लिए sufficient मात्रा में जो है चीजें मिलेंगी, और जहां प्रे कम है वहां लेपर्ड भी जो है कम है। एक बहुत ही अच्छी बात कही है, अमूमन क्या होता है ना, आप किसी भी जानवर का कंजर्वेशन प्रोग्राम चला लें, लेकिन जो वहां के लोकल लोग हैं ना उनकी सहायता के बिना आप वो प्रोग्राम नहीं चला सकते। एग्जांपल, अमूमन देखा गया है जो कि आपके स्नो लेपर्ड्स है ना, ये क्या करते हैं, ये विलेजर्स का लाइव स्टॉक जो है उसे अटैक कर लेते हैं, जिससे विलेजर्स की जो है जीवनी में जो का जीवन होता है उसमें संघर्ष होता है, या उनके लिए खाने के लिए पर्याप्त खाना नहीं होता है, उनको नुकसान होता है। अब गवर्नमेंट क्या कहती है, उनको कन्विंस करती है कि आप अपने लाइफ स्टॉक को जो है इंश्योर करिए, आप उसका इंश्योरेंस कराइए, जिससे कि अगर कल कोई लेपर्ड उसमें अटैक करता है तो आपके पास इंश्योरेंस है, जिससे कि आप अपना जो है उसको दोबारा से उसके पैसे जो है ले सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके अंदर उस जानवर के प्रति गुस्सा नहीं आएगा, और इवेंचुअली क्या होगा, उसका कंजर्वेशन होगा। एग्जांपल देखते हैं, केरला में देखिए, बहुत समय पहले की बात थी, एक हाथी के पेट में जो है हाथी ने एक बम को खा लिया था। हाथी क्या करता है, अमूमन फसलों को खराब कर देता है। इससे क्या होता है कि आदमी के मन में हाथी के लिए गलत धारणाएं जो है वो आपकी आ जाती है। इससे अच्छा हो हम लोग उन खेतों का इंश्योरेंस कर लें कि अगर हाथी उस खेतों में आए, इन शॉर्ट हम उनको रोकें, अगर वो उन खेतों में आता है तो हमें अपने इंश्योरेंस के पैसे मिल जाए, और उस जानवर के प्रति हमारे अंदर कोई गुस्से की भावना ना आए, क्योंकि अल्टीमेटली वो घर तो उस हाथी का ही था ना। हमारे शहर बढ़ गए और हमारे शहरों ने उनके जंगलों को अपने अंदर समेट लिया है, वो घर उस हाथी का ही था। फर्क यह है कि हमारे शहर बढ़ गए और उन गाँव को अपने अंदर उन्होंने समेट लिया है, ठीक है। तो लोकल कम्युनिटी के साथ बिना हम कोई भी एनिमल कंजर्वेशन प्रोग्राम जो है वो नहीं बना सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ये एक डेवलपमेंट है कि वैक्सीन की कॉस्ट कितनी है, 250 रुपए कहां पर, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। इसके सेशन के बाद में इसके ऊपर एक स्मॉल सेशन लेके आने वाला हूं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो देख सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए कुछ नए आईटी रूल्स आए हैं, अभी 2 दिन पहले ही मैंने इसकी क्लास ली है, वो आप देखिए, कुछ 25 से 26 मिनट का वीडियो है, उन आईटी रूल्स को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही साफ तरीके से समझाया है, वहां आप उसे देखिएगा, अभी मैं इसको नहीं बता रहा हूं, ठीक है। इंडिया बांग्लादेश ने क्या किया है, डिसाइड हुआ था प्राइम मिनिस्टर मीट में कुछ समय पहले कि हम लोग जो है बॉर्डर में फेंसिंग करेंगे, और अभी 19th होम मिनिस्टर लेवल टॉक्स हुई है, इसमें कहा गया है कि हम लोग जो है बॉर्डर फेंसिंग को आगे बढ़ाएंगे। और ये किसने किया है, ये हमारे जो है सेक्रेटरी जो है यूनियन होम सेक्रेटरी जो है अजय कुमार भल्ला, एंड बांग्लादेश की तरफ से मुस्तफा कमाल उद्दीन जो है वो मिले थे।
इन्होंने क्या कहा है कि हम फर्दर जो है एक्सपेंड करेंगे अपने न्यूट्रल पॉपुलेशन को और उसको स्ट्रेंथन करेंगे, मजबूत करेंगे, और सिक्योरिटी एंड बॉर्डर रिलेटेड इश्यूज में हम एक दूसरे का साथ देंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या है, हम टेररिज्म के खिलाफ जो है फाइट करेंगे, ठीक है, और जो बॉर्डर के पास जो इलीगल एक्टिविटीज होती है उसको जो है हम दोनों जो है अप्रिशिएट करेंगे और इंफॉर्मेशन जो है वो साझा करेंगे। इसके अलावा जो स्मगलिंग होती है फेक करेंसी नोट्स की, या हम कह सकते हैं कैटल की, गाओ की, उसको भी हम जो है साथ मिलके रोकेंगे, ठीक है। तो ये बड़ी एक बार नॉर्मल सी बातें हैं, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब समझिए जमाल जमाल खशोगी, जमाल खशोगी के बारे में जानते हैं आप, ये एक जर्नलिस्ट था, पूरी कहानी बताने का समय नहीं है, ये एक जर्नलिस्ट थे और आरोप है ये हमेशा एक क्रिटिक थे। क्रिटिक किसके थे, प्रिंस मोहम्मद सलमान के, जो कि सऊदी के प्रिंस है। ये हमेशा एक क्रिटिक रहे थे किसके, प्रिंस मोहम्मद सलमान के, जो कि सऊदी के क्राउन प्रिंस है। और कहा क्या गया था कि जमाल खशोगी का मर्डर हो गया था, और कहा यह था कि इसमें प्रिंस मोहम्मद का हाथ है। इसमें क्या है, प्रिंस मोहम्मद का हाथ है, क्योंकि ये अपने क्रिटिक्स को जो है शांत करना चाहते थे। इनके खिलाफ इंक्वायरी हुई और लोगों ने या कंट्रीज ने, कुछ कंट्रीज उन्होंने कहा कि, या ह्यूमन राइट्स वालों ने कहा कि जो अगर रिपोर्ट आती है तो जो वेस्टर्न कंट्रीज है, यूएसए, यूरोप, इनको इनके ऊपर सैंक्शन लगा देने चाहिए। अभी क्या हुआ है, जो आपके ट्रंप साहब थे उनके समय में क्या हुआ था, उनके अच्छे संबंध थे सऊदी से और उन्होंने सैंक्शन की बात नहीं की थी। लेकिन बाइडन साहब के आने से क्या हुआ, लोगों में उम्मीद थी कि बाइडन साहब जो है ह्यूमन राइट्स के बहुत समर्थक है, और कहीं ना कहीं अगर ये रिपोर्ट सामने आती है तो बाइडन साहब सऊदी पे क्या लगाएंगे, सैंक्शंस लगाएंगे। लेकिन फ्राइडे को क्या हुआ, ये लॉन्ग डिलेड जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है ये बाहर आ गई, जो रिपोर्ट है वो बाहर आ गई, ठीक है। और इस रिपोर्ट में क्या था, अ गवर्नमेंट एडवाइजर क्लोज टू द किंगडम रॉयल कोर्ट से थिन असेसमेंट लैक द मोर, ठीक है। और रिपोर्ट में क्या कहा गया, ठीक है, एक मिनट दीजिएगा, रिपोर्ट में क्या कहा गया बता देता हूं मैं आपको। रिपोर्ट में कहा गया, विच being withheld after being completed under Victor Sturt Trump said it was highly unlikely that Khashoggi's murder could have been taken place without green light. मतलब जो खशोगी है, जमाल खशोगी थे, जर्नलिस्ट थे, इनका जो मर्डर है विदाउट प्रिंस मोहम्मद की आदेश के बिना बहुत ही मुश्किल है बिलीव करना कि इनका मर्डर होगा। तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर डायरेक्ट आरोप लगे हैं और लोगों का मानना है कि सऊदी पे सैंक्शन लगाने चाहिए, किसे, हमारी वेस्टर्न कंट्रीज को, चाहे वो यूएसए हो या यूरोपियन यूनियन हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, इनके ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाए हैं, ठीक है। इट वॉज डिसअपॉइंटिंग एंड फ्रस्ट्रेटिंग दैट द यूएस इज येट अनविलिंग टू एक्ट ऑन इट्स ओन इंटेलिजेंस एंड इम्पोज सैंक्शंस ऑन द सऊदी प्रिंस, ठीक है। ये वॉशिंगटन बेस्ड कंपेन ग्रुप एट फ्रीडम हाउस कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, हम लोग जो क्रिटिक्स होते हैं उनको जो हैंड दबाने की कोशिश करेंगे, एक पैटर्न सेट हो जाएगा कि वायलेंट मेजर्स टू साइलेंट डिसिडेंट्स अब्रॉड, मतलब जितने भी क्रिटिक्स हैं उनको हम साइलेंट कर सकते हैं, कोई भी इन पे जो है अकाउंटेबिलिटी या कोई भी इन पे नजर रखने वाला नहीं है। यही बात कर रहे हैं खशोगी केस में। और यूएस जो बाइडन के अंदर एक नया इकोनॉमी उभर के आ रही है, एक नया देश दिख रहा है, उसने भी सऊदी पे जो है सैंक्शन लगाने से मना कर दिया है। ये म्यांमार का रो है, ठीक है। म्यांमार के रो में क्या हुआ, एक नया डेवलपमेंट हुआ है। इसमें क्या हुआ है कि म्यांमार के जो यूएन एनवॉय थे, ठीक है, उनको ऑफिस से फायर कर दिया है। क्यों कर दिया है, इन्होंने कहा है यूनाइटेड नेशंस से कि आप कोई भी मीन्स अप्लाई कीजिए जिससे कि जो फैब वन का जो कॉप है, जो कूप है, जो मिलिट्री ने कूप किया है, उसको हम खत्म कर सके, ठीक है। म्यांमार में क्या हुआ है, फरवरी से क्या हुआ है, टर्मोइल आ गया है। जो सूकी की पार्टी जीती थी इलेक्शन, क्या हुआ है, आर्मी ने उनको टेक ओवर कर दिया है, वहां कूप कर दिया है, और सू की और उनके माचोटी पार्टी लीडर्स जो है उनको क्या किया है, उनको हाउस अरेस्ट किया है और मिलिट्री ने पावर सीज कर ली है, ठीक है। जिससे क्या हुआ है, द कूप हैज ब्रॉट हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ प्रोटेस्टर्स जो है रोड पे आ गए हैं ऑन टू द स्ट्रीट्स एंड ड्रॉन कंडेमनेशंस। बड़ी निंदा हुई है इस चीज की फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज एंड विद सम इम्पोजिंग लिमिटेड सैंक्शंस ने भी लगाए हैं कुछ लोगों ने, ठीक है। चलिए और कुछ एक लाइन और है यहाँ पर, ये भी देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। म्यांमार के एम्बेसडर जो है क्याओ मो टुन, शायद मेरा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होगा, जो मुझे लगता है वो पढ़ रहा हूं मैं, ठीक है। क्याओ मो टुन, इन्होंने अर्ज किया है दैट यूएन जनरल असेंबली टू यूज एनी मीन्स नेसेसरी
to take action against the Myanmar military and to provide safety and security to the people. तो ये UN General Assembly से कह रहे हैं, Assembly से कह रहे हैं कि आप कुछ भी कीजिए बट हमारे लोगों को प्रोटेक्ट कीजिए, एक हमारी जो आम जनता है उनको प्रोटेक्ट कीजिए क्योंकि उनपे जो है आर्मी बहुत सारे जुल्म कर रही है। यही देख लीजिए जो रॉयल पुलिस है वो फायर कर रही है इन लोगों पे और ये छुपे हुए हैं। ठीक है, चलिए। यूएस ने सीरिया पे स्ट्राइक किया है, इसके ऊपर मैं वीडियो भी लेके आऊंगा इसके बाद ही। यूएस ने सीरिया पे स्ट्राइक किया है और यूएस ने सीरिया के स्ट्राइक किया और ईरान को वार्निंग दी है कि आप अपनी हदों में रहिए। ठीक है, तो ये अच्छी न्यूज लगी मुझे, इसके बारे में एक सेशन लेके आऊंगा। पीपीटी और मैंने तैयारी ऑलरेडी कर ली है, बस समय की बात है, जैसे समय मिलता है इसके ऊपर मैं एक अच्छा सेशन जो है आपका लेके आऊंगा। ठीक है, या इसके बाद ही ले आऊंगा मोस्ट प्रॉब्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसे छोटा कर देते हैं एक बार। देखिए ये ट्रिप्स क्या होता है, ठीक है, ये हम ये बहुत ही अच्छी बात लगी सर मुझे, टू बी ऑनेस्ट ये बहुत ही अच्छी बात लगी। इंडिया हमेशा ना सर, आप इंडिया को कितना कोस लीजिए, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर एक अभी मेरे पोहल में एसएमएस देखा मैंने, एक न्यूज आई थी कि इंडिया में लोग जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मेहनत जो है लोग इंडिया में करते हैं, सबसे ज्यादा काम लोग इंडिया में करते हैं इन वीक डेज, और उसके बाद भी हमारी सैलरी जो है सबसे कम है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ डिसएडवांटेज एडवांटेज है एक ऐसी कंट्री में रहने में जहां पर आपको आपके वर्क का या आपकी मेहनत का उतना पैसा नहीं मिलता। और समझिए हम 7 दिन काम करते हैं, अपना पूरा जीवन गुजारते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमने जीवन जिया, इसे जीवन जीना नहीं कहते, इसे कहते हैं कॉम्प्रोमाइज। हमने कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया है, सुबह गए शाम को आए 7 डेज काम किया, हमने 7 to 7 डेज काम किया, एक दिन छुट्टी ले ली, 7 डेज काम किया, कमाने में हमारा जीवन निकल गया। फिर हम लोग कहते हैं भाई यही तो जीवन है, ये नहीं है जीवन। जीवन का असली मूल्य यह है कि आप जीवन जिए, आपकी वाइफ आपने बच्चों सबको घुमाइए, जीवन जिए, यही जीवन का असली तात्पर्य है। ठीक है, और इंडिया में क्या होता है, जो लोग हैं वो मेहनत करते हैं, काम करते रहते हैं और उस हिसाब से उनको सैलरी भी नहीं मिलती। ठीक है, तो एनीवे ये एक न्यूज थी जो मैं पढ़ रहा था अभी। अभी क्या है, इंडिया चाहती है कि ट्रिप्स का जो है वेवर मिल जाए इसमें, वैक्सीन में। ठीक है, ये न्यूज आप खुद पढ़िएगा, मैं इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ आपको, ट्रिप्स क्या होता है। ठीक है, देखिए WTO की बात कर रहा हूं मैं, WTO की बात कर रहा हूं, एक बार टाइम देख लेता हूं सर कितना हो गया। ठीक है, मैं WTO की बात कर रहा हूं। WTO में क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर की बात करता हूं। इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है, सबसे ऊपर होती है इसकी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, सबसे ऊपर होती है इसकी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, सबसे ऊपर होती है इसकी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जिसमें कि अप्रोक्सीमेटली 164 मेंबर होते हैं। ठीक है, चेंज हो गया होगा, चेक कीजिएगा। ठीक है, और ये कौन होते हैं, ये होते हैं ट्रेड मिनिस्टर्स। ठीक है, उस देश के, और 2 साल की मेंबरशिप होती है। ठीक है, या तो सॉरी 2 साल में मिलते हैं। सबसे ऊपर होता है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, ये बिगेस्ट होती है, ये है बिगेस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी। ठीक है, ये क्या है, ये बिगेस्ट है डिसीजन मेकिंग बॉडी। इसके बाद क्या आती है सर, इसके बाद आती है जनरल काउंसिल, इसके बाद आती है जनरल काउंसिल। ठीक है, और जनरल काउंसिल के बाद 3 काम होते हैं, इसके 3 काम होते हैं, एक होता है गेट, एक होता है गेट्स, एक होता है ट्रिप्स। तो मेरा काम ट्रिप्स में है, बाकी ये दोनों क्या है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन गुड्स, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन गुड्स, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेस एंड ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, ये 4 चीजें हैं। तो सबसे ऊपर होती है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, फिर होती है जनरल काउंसिल, इनके 3 काम होते हैं, एक होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन गुड्स, मतलब अगर हम गुड्स का ट्रेड करते हैं तो उसके क्या क्या नियम है, क्या जनरल एग्रीमेंट होते हैं उन मेंबर्स के बीच में, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, अगर हम सर्विसेज का ट्रेड कर रहे हैं तो उसके बीच में क्या रूल्स हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे, और ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसका मतलब क्या है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, मान लीजिए मेरी कंपनी ने कोई चीज बनाई तो लगभग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग,
तीन साल तक मेरे ऊपर मेरे पास ही उसका अधिकार है उस टेक्नोलॉजी का। कोई भी चीज को जैसे मान लीजिए मेरी कंपनी ने बनाई, मान लेते हैं मेरी कंपनी ने बनाई एक दवाई, ठीक है, मैं हूं मनाली, मनाली फार्मेसी है, एमपी है, हमने बनाई एक दवाई, ठीक है, हमने दवाई बनाई, इसका नाम लिख दिया हमने एक्स, ये दवाई हमने इंडिया में एक्सपोर्ट कर दी, ठीक है, ठीक है, ये दवाई हमने, सॉरी मैप पे ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा आपको हंसाने के बनाया मैंने, ठीक है, बट वी डू रिस्पेक्ट, दिस इज आर इंडिया, राइट, तो मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है इंडिया को डिफेंड करने का, ये नॉर्मली मैप मैंने बनाया है, या कहीं तो अच्छा बना देता हूँ मैं, एक मिनट उठिएगा। ठीक है, उससे बढ़िया है, ठीक है, ये नहीं, मैंने यहां से एक दवाई जो है इंडिया में इंपोर्ट की है, ठीक है, इंपोर्ट की है, और इसके बदले मैंने दवाई भेजी है, और मुझे क्या मिला है, कुछ पैसा मिला है। ये दवाई जो है मैंने बनाई है, अभी मान लीजिए ये दवाई मैंने बनाई है 1 जनवरी 2000 में बनाई है, ठीक है, मान लेते हैं पहले की बात करते हैं, अब इंडिया में आ गई, इंडिया में दवाई आ गई, अब सर लोग तो इतने इंटेलिजेंट है ही ना कि उस दवाई को तोड़ के, इसको तोड़ के पता कर ले कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, इस ये किसी चीजों से मिलकर बनी है, ये तो हम पता कर सकते हैं, और फिर अगर कोई कंपनी है, फर्जी कंपनी है, वो इस दवाई को दोबारा से कहां इंडिया में बना सकती है, पॉसिबिलिटी है ना सर, ये दवाई है, इस दवाई को तोड़ा, चेक किया, इतनी मशीनें हैं, इतने इतने एक्सपर्ट्स हैं, चेक करिए कि इसके अंदर क्या है, और चेक करेंगे और फिर इसी दवाई की एक डुप्लीकेट दवाई इंडिया में बनाएंगे और उसको सस्ते दाम में यहां बेच देंगे, उसको सस्ते दाम में इंडिया में बेच देंगे, पॉसिबिलिटी है। इसी चीज को WTO रोकता है और उसे कहता है ट्रिप्स, ट्रिप्स मतलब ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है सर कि ये दवाई आपके कंट्री में नहीं बननी चाहिए लगभग 3 साल तक, ठीक है, वो एक टाइमलाइन होती है, जितना मुझे याद है वो 3 साल के लिए होता है ट्रिप्स, 3 साल के बाद आप बना सकते हैं, लेकिन 3 साल तक जो इसकी रॉयल्टी है वो कंपनी खाएगी जिस कंपनी ने ये दवाई बनाई है, ठीक है। अब आते हैं ट्रिप्स, ट्रिप्स ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में वेवर दे दो, ऐसा कौन कह रहा है, ऐसा इंडिया के जो अभी जो मीटिंग हुई थी इनकी WTO की, उसमें इंडिया के जो आपके वो हैं, इंडिया की तरफ से जो हमारे प्रतिनिधि थे, उन्होंने कहा है कि हम लोग को क्या करना चाहिए, स्पीकिंग इन दिस सेशन ऑन द फ्यूचर ऑफ द WTO आफ्टर COVID-19 पेंडेमिक, एक सेशन हो रहा था जिसमें भविष्य WTO का COVID-19 के बाद कैसा होना चाहिए उसकी बात हो रही थी, एट द एशिया इकोनॉमिक डायलॉग होस्टेड बाय एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री एंड द पुणे इंटरनेशनल सेंटर। इसमें कहा गया है कि ये ट्रिप्स जो है आपके जो ट्रेड को लेके हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, इसको हमें हटा देना चाहिए, इसको हमें हटा देना चाहिए, जिससे कि जो छोटे मोटे जो छोटे मोटे देश हैं जिनको दवाई की अच्छी चीज दवाई नहीं मिल पा रही है, वो भी जो है दवाई को बना पाए, ठीक है। और हम, इन्होंने अच्छी बात कही है, हम 30-40 बिलियन के लिए हम 6-7 ट्रिलियन ऑफ ग्लोबल GDP को रोक रहे हैं, समझ में आया, 30-40 बिलियन के लिए हम 6-7 ट्रिलियन का नुकसान कर रहे हैं, ऐसा कौन कहता है, इंडियन एम्बेसडर टू WTO। तो आई गेस जिनको थोड़ा सा जिन्होंने ध्यान दिया होगा, जिन्होंने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा, उनको ये न्यूज जो है वो क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, ये लिखा है, एक आर्टिकल लिखा गया है राजीव बजाज जो कि आपके MD है, ठीक है, बजाज ऑटो के MD है, ये कह रहे हैं कि हम चाइना से जो है इंपोर्ट जो है हमें कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है, एकदम अगर हम चाइना से इंपोर्ट रोक देंगे तो कहीं ना कहीं हमारी डोमेस्टिक जो मार्केट है वहां पर जो है हम लोग को दिक्कत आएगी। और मैं इनकी बात से टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल सहमत नहीं करता हूं, ठीक है, कहीं ना कहीं ये ठीक है, कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, ठीक है, कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं है। धीरे धीरे हमें चाइना से जो है इंपोर्ट वो तो कम करना ही है, हमें चाइना से इंपोर्ट जो है वो कम करना ही है, और गवर्नमेंट जो है इस तरफ अग्रसर है। अब इनका कहना क्या है ना, समझिए, इनका कहना क्या है कि अगर हम चाइना से एकदम में इंपोर्ट कम कर देंगे तो वही चीज हमारी डोमेस्टिक मार्केट में एकदम महंगी हो जाएगी, या वो उस कॉम्पिटिटिव नहीं होगी, उतनी कॉम्पिटिटिव नहीं होगी जितनी वो चाइनीज चीज थी। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म नुकसान है, मान लेते हैं, लेकिन ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट लास्ट टर्म में हमें फायदा है। एक बार आप ये आर्टिकल पढ़िएगा सर, ठीक है, टाइम हो गया है, एक बार आप ये आर्टिकल पढ़िएगा, ऑनेस्टली इजी वर्ड्स है, इजी वर्डिंग है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए
अभी के लिए इतना ही सर। देखिए आज जब न्यूज उतनी नहीं थी, समझिए ये संडे की बात कर रहा हूं सर, मैं अभी आपको बताना चाह रहा हूं सर, नॉलेज बहुत है, आप लोग बाहर निकाल सकते हैं, निकालिए मेरे से, मैं खुद वो नॉलेज आप तक देना चाहता हूं। पॉइंट ये है, समझिए 54 मिनट तो मुझे ऐसी हो गए, 54 से 55 मिनट्स मुझे ऐसी हो गए, आपको एक ऐसा पेपर पढ़ाया मैंने जिसमें कि मैंने कोई डीप बताया नहीं, आपको कुछ डीप बताने लायक था ही नहीं। उसके बाद 55 मिनट लग गए। अब जिस दिन न्यूज होगी आपके काम की, और अगर उस दिन मैं डीप जाऊंगा तो 1.5 घंटा 1.25 घंटा आराम से लग सकता है। तो उसके लिए अगर आप तैयार हैं लेट मी नो। सेशन तो 30 मिनट का भी हो सकता है, सेशन 20 मिनट का भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, विल सी यू टुमारो। ठीक है, बाकी आप सोचिएगा जो मैंने कहा है, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे दोस्त लोग, वो प्लीज सोचिए इस बारे में, क्योंकि 30 मिनट्स में 20 मिनट्स में पेपर नहीं पढ़ा जा सकता। ठीक है, अल्टीमेटली अभी के लिए मैं आपको से आज्ञा लूंगा, बाकी फिर मिलते हैं। अंटिल देन टेक केयर, गुड बाय।